हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू द चैनल एडिटी वंस अगेन। सो काफ़ी सारे लोगों की डिमांड थी दैट एक वन शॉट वीडियो अपलोड किया जाए जिसमें ऑल सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन हो, ताकि लास्ट मोमेंट में आप लोगों की एक फाइनल प्रैक्टिस हो जाए क्वेश्चन से रिलेटेड। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को सारे क्वेश्चन जो भी सब्जेक्ट्स हैं आपके, दैट इज़ नर्सिंग एप्टीट्यूड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश, उन सभी सब्जेक्ट्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो मैं इस वीडियो में शेयर करूंगी। एंड अराउंड 100+ क्वेश्चंस की ये सीरीज़ है, जो मैंने जितने भी क्वेश्चंस जो आए हुए क्वेश्चंस हैं या जिन क्वेश्चंस के आने के चांसेस हैं, उन सभी क्वेश्चंस को मर्ज करके ये पूरा जो भी 100 क्वेश्चन का सीरीज़ है मैंने खुद से बनाया हुआ है, जो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। सो ये जो भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को अभी बताने वाली हूँ, इन क्वेश्चंस को आप लोग ध्यान से समझिएगा, क्योंकि हो सकता है इनमें से अराउंड 10-20 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपके एग्ज़ाम में एज इट इज़ आ सकते हैं या उनसे सिमिलर क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इसीलिए कोई भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। एंड वीडियो ख़त्म होने पर लास्ट में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी मुझे ज़रूर बताना कि आपने 100 क्वेश्चंस में कितना स्कोर किया है, जिससे कि आपको भी एक कॉन्फिडेंस आएगा और मुझे भी आइडिया आएगा कि आप लोग मतलब अराउंड 100 क्वेश्चन में कितना स्कोर कर पा रहे हो। एंड मान के चलो अगर यहाँ पर 100 में आप 80 या 85+ क्वेश्चन सही कर रहे हो, दैट मीन्स वहाँ फाइनल एग्ज़ाम में भी आप 200 क्वेश्चंस में आराम से 150+ क्वेश्चन तो फिर करेक्ट कर ही लोगे। तो आपको ये लास्ट मोमेंट में एक कॉन्फिडेंस भी दिलाएगा एंड इससे आपकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, राइट। सो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन से। जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन है वो नर्सिंग एप्टीट्यूड से स्टार्ट है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, विच रेगुलेटरी बॉडी कंट्रोल्स नर्सिंग प्रोफेशन इन इंडिया। कौन सी रेगुलेटरी बॉडी है जो कि इंडिया में नर्सिंग प्रोफेशन को कंट्रोल करती है? ऑप्शंस हैं आपके, इंटरनेशनल काउंसिल, इंटरनेशनल नर्सिंग काउंसिल, एसोसिएशन ऑफ नर्स ऑफ इंडिया एंड इंडियन नर्सिंग काउंसिल। सो द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज इंडियन नर्सिंग काउंसिल, यानी कि INC। INC जो बॉडी है वो हमारा इंडिया में नर्सिंग प्रोफेशन को कंट्रोल करती है। ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी आपसे नर्सिंग एप्टीट्यूड के वीडियो में ये शेयर किया हुआ है, राइट। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, डेटॉल इज कंटेन, डेटॉल में क्या कंटेन होता है? क्रेसॉल, क्लोरोजाइलिनॉल, फिनॉल या हाइपोक्लोराइड। करेक्ट आंसर विल बी बी, दैट इज क्लोरोजाइलिनॉल, डेटॉल में क्लोरोजाइलिनॉल प्रेजेंट होता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज एन एंटीनेटल केयर। एंटीनेटल केयर का मतलब क्या होता है? ऑप्शन गिवन है, केयर बिफोर चाइल्ड बर्थ, केयर ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, केयर आफ्टर चाइल्ड बर्थ या नन। तो जो चाइल्ड बर्थ के पहले जो केयर प्रोवाइड करी जाती है उसे हम एंटीनेटल केयर बोलते हैं, दैट मीन्स ए ऑप्शन इज करेक्ट, केयर बिफोर चाइल्ड बर्थ, राइट। देन फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलोस्ट्रम इज, हम सब जानते हैं कोलोस्ट्रम क्या होता है। ऑप्शन है मिल्क ऑफ लैक्टेशन पीरियड, मिल्क ऑफ इनिशियल फ्यू डेज, मिल्क ऑफ इनिशियल फ्यू आवर्स, मिल्क ऑन डे वन, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा बी, दैट इज़ मिल्क ऑफ इनिशियल फ्यू डेज। मदर जब बेबी डिलीवर करती है उसके बाद जो इनिशियली फ्यू डेज में जो माँ का दूध होता है उसे हम कोलेस्ट्रम के नाम से जानते हैं, दैट मीन्स मिल्क ऑफ इनिशियल फ्यू डेज, राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट स्कूल ऑफ नर्सिंग वॉज एस्टैब्लिश्ड बाई, पहला स्कूल ऑफ नर्सिंग किसने इस्टेब्लिश किया था? ऑप्शन है वर्जीना हैंडरसन, फ्लोरेंस नाइटेंगल, थियोडोर फ्लेनेनर, इसाबेल हैम्पटन। सो ऑप्शंस देख के काफ़ी बच्चे यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट लगा देंगे, दैट इज़ फ्लोरेंस नाइटेंगल, जबकि ऐसा नहीं है, फ्लोरेंस नाइटेंगल इज़ नॉट द करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर आपका है सी, दैट इज़ थियोडोर फ्लेनेनर, बिकॉज जो आपका स्कूल था पहला नर्सिंग का वो थियोडोर फ्लेनेनर ने ही इस्टेब्लिश किया था इन 1836, राइट। बाद में इन 1860 आपका जो फ्लोरेंस नाइटेंगल है इन्होंने ST थॉमसन जो नर्सिंग स्कूल था वो ओपन किया था। तो सबसे पहले अगर स्कूल ऑफ नर्सिंग की बात की जाए तो वो उसके लिए आपका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन होगा, ना कि फ्लोरेंस नाइटेंगल होगा, ठीक है। देन क्वेश्चन है, एवरेज वेट ऑफ न्यू बॉर्न बेबी, न्यू बॉर्न बेबी का जो एवरेज वेट होता है वो कितना होता है? 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg। सो द करेक्ट आंसर इज़ बी, दैट इज़ 3 kg। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज़ करेक्ट फॉर कन्वर्जन ऑफ सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट। सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला करेक्ट होता है? कुछ ऑप्शन गिवन है, तो आप इन ऑप्शंस को पहले देख लीजिए, फिर आप खुद से अपना माइंड यूज़ करिए और बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो मैं बता देती हूँ, इसका फर्स्ट आंसर जो है वो करेक्ट है, दैट इज़ F, यानी फ़ारेनहाइट में कोई वैल्यू गिवन है एंड सेल्सियस में गिवन वैल्यू इंटू 9/5 प्लस
32. दिस इज़ द करेक्ट फॉर्मूला टू कन्वर्ट सेंटीग्रेड टू फेरेनहाइट. राइट, देन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. इफ़ द हार्ट बीट इज मोर देन 100 बीट पर मिनट द कंडीशन इज कॉल्ड. अगर हमारी हार्ट बीट 100 बीट पर मिनट से ज़्यादा हो जाएगी तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे. तो कल मैंने बायोलॉजी का एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आप लोगों को जो नॉर्मल हमारा पल्स रेट या हार्ट बीट होती है उसकी वैल्यू बताई थी. तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि जो नॉर्मल हार्ट बीट होता है हमारा जो पल्स रेट वो हमारे 60-90 के बीच में रेंज करता है. राइट, दैट मीन्स 60-90 बीट्स पर मिनट. और मैंने ये भी बताया था कि अगर 60 से कम चली जाए तो भी प्रॉब्लम है और अगर 100 से अबव चली जाए तो भी प्रॉब्लम है. तो 100 से अगर अबव जाती है हमारी हार्ट बीट तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं ट्रैकीकार्डिया. दैट इज़ ए ऑप्शन इज़ करेक्ट. और अगर यहाँ पे यही पूछता कि 100 बीट से ज़्यादा नहीं, लेस देन 60 बीट्स पर मिनट अगर आ रहा है तो हम उसे क्या बोलेंगे, तब हमारा आंसर हो जाता ब्रैडीकार्डिया. ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है. रेस्पिरेशन रेट ऑफ अ हेल्दी पर्सन इज़, हेल्दी पर्सन का रेस्पिरेशन रेट कितना होना चाहिए. ऑप्शंस गिवन है, तो जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा होगा सी, जो जिसका मतलब होता है जो हमारा रेस्पिरेशन रेट है हेल्दी पर्सन का वो होती है हमारी 15-20 ब्रीथ पर मिनट. ठीक है, तो 15-20 ब्रीथ्स पर मिनट अगर है तो वो हमारा करेक्ट आंसर होगा. दैट मीन्स रेस्पिरेशन रेट ऑफ अ हेल्दी पर्सन इज 15-20 ब्रीथ पर मिनट. देन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा. फर्स्ट नर्सिंग फिलॉसफी ऑन हेल्थ मेंटेनेंस एंड रिस्टोरेशन वॉज एस्टैब्लिश्ड बाई, सबसे पहला नर्सिंग फिलॉसफी जो था हेल्थ मेंटेनेंस एंड रिस्टोरेशन पे वो किसने दिया था. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, दैट इज फ्लोरेंस नाइटिंगेल. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ नर्सिंग इंटर्नशिप इन इंडिया. इंटर्नशिप का टाइमिंग पूछ रहा है, तो इंटर्नशिप इंडिया में कितने टाइम के लिए होता है नर्सिंग में. तो ये आंसर हो जाएगा बी, दैट इज 6 मंथ. ये मैंने आपको पहले भी जो नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है वहाँ भी शेयर किया हुआ है. फिर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द बेस्ट मेथड टू डिस्पोज हॉस्पिटल वेस्ट. सबसे बेस्ट मेथड ऑप्शन, इन ऑप्शंस में कौन सा है जिसमें हम हॉस्पिटल वेस्ट को पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं या डिस्पोज कर सकते हैं. ऑप्शन है इंसिनरेशन, डंपिंग, कंपोजिटिंग, केमिकल ट्रीटमेंट. सो करेक्ट आंसर इसका होगा ए, दैट इज़ इंसिनरेशन. इंसिनरेशन का मतलब होता है हाई टेम्परेचर में जो भी मेडिकल वेस्ट होते हैं उनको डिस्ट्रॉय किया जाता है ताकि आगे चल के वो कोई भी हार्मफुल इन्वायरमेंट में कुछ भी हार्म क्रिएट ना करें या फिर जो भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं उनको कोई हार्म ना हो. इसीलिए जो सबसे बेस्ट मेथड होता है हॉस्पिटल वेस्ट को डिस्पोज करने का वो होता है हमारा इंसिनरेशन का. देन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन. ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कई बार बताया हुआ है कि जो WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो कब इस्टैब्लिश हुआ था. तो ये आपको लर्न होगा कि जो WHO है वो 7th अप्रैल 1948 को इस्टैब्लिश हुआ था. राइट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड. ब्लड प्रेशर को नापने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है. तो उस इंस्ट्रूमेंट को हम बोलते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर. दैट इज सी ऑप्शन इज करेक्ट. फिर है ECG इज़ यूज टू मीज़र. ECG एक मशीन होती है तो किसको मीज़र करने के लिए यूज़ की जाती है. तो ECG जो मशीन होती है वो हमारा हार्ट बीट को मीज़र करने के लिए यूज़ की जाती है. देन है, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन. ह्यूमन ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन सा होता है, सेरिबेलम, सेरिब्रम, मेडुला ऑब्लॉन्गेटा या फिर नन. सो द करेक्ट आंसर इज़ बी, दैट इज सेरिब्रम. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिसीज़ इज़ ऑल्सो नोन एज हैंसन्स डिसीज़. कौन सी डिसीज़ को हम हैंसन्स डिसीज़ के नाम से भी जानते हैं. ऑप्शन है डायरिया, प्लेग, कॉलरा, लेप्रोसी. सो द करेक्ट आंसर इज़ डी, दैट इज़ लेप्रोसी, जिसको हम कुष्ठ रोग के नाम से भी जानते हैं. फिर बोल रहा है डिसीज़ कॉज्ड बाय द वायरस. इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो वायरस के थ्रू वो डिसीज़ फैलती है. ऑप्शन है टाइफाइड, सिफिलिस, पोलियो, डिप्थीरिया. इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, दैट इज़ पोलियो. पोलियो जो डिसीज़ है वो वायरस के थ्रू फैलती है. ठीक है, फिर है अर्थराइटिस इज़ अ डिसीज़ ऑफ. अर्थराइटिस एक डिसीज़ कंडीशन है जो किस पार्ट में होती है, स्किन में, किडनी में, लिवर में या फिर जॉइंट्स में. तो अर्थराइटिस इज़ अ डिसीज़ ऑफ जॉइंट्स, दैट इज़ डी ऑप्शन इज़ करेक्ट. फिर बोल रहा है नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन. नाइट ब्लाइंडनेस जो होती है वो किस विटामिन की कमी से होती है. तो ये होती है हमारी विटामिन ए की कमी से. दैट मीन्स ए ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है.
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज एमरजेंसी हार्मोन। इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसको हम एमरजेंसी हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन गिवन है कॉर्टिसोल, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, एड्रिनलिन। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, दैट इज एड्रिनलिन। फिर है हाउ मेनी डेज बिफोर ओव्यूलेशन अकर्स। यहाँ पे पूरा क्वेश्चन ये मिसप्रिंट है थोड़ा सा। हाउ मेनी डेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन होगा एक्चुअली में, ऑफ मेंस्ट्रुएशन बिफोर ओवुलेशन अकर। मेंस्ट्रुएशन के कितने दिन पहले ओवुलेशन होता है, तो ऑप्शंस हैं 28 डेज, 14 डेज, 7 डेज, 18 डेज। तो करेक्ट आंसर होगा बी, दैट इज 14 डेज। फिर है ट्यूबिकटॉमी इज़ अ सर्जिकल रिमूवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ट्यूबिकटॉमी एक प्रोसीजर होता है जिसमें सर्जिकली हम रिमूव करते हैं। इस प्रोसेस को हम जो होता है वो फीमेल में, मतलब प्रोसीजर को पूरी तरीके से किया जाता है, तो ये फीमेल में होने वाली प्रोसीजर होती है। तो इसमें हम किस चीज़ को रिमूव करते हैं फीमेल में ट्यूबेक्टॉमी में। ऑप्शन है वास डिफरेंस, फेलोपियन ट्यूब, ईशियन ट्यूब, नन। करेक्ट आंसर होगा बी, दैट इज़ फेलोपियन ट्यूब। यहीं अगर हम मेल्स की बात करें तो मेल्स में हम वास डिफरेंस को सर्जिकली रिमूव करते हैं, तो उस प्रोसेस को फिर हम बोलते हैं वैसेक्टॉमी। देन क्वेश्चन है शेप ऑफ गॉल ब्लैडर रिसेम्बल्स। गॉल ब्लैडर का जो शेप होता है वो किसकी तरह होता है, पियर शेप, जे शेप, राउंड और द बीन। करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज पियर शेप्ड। जो गॉल ब्लैडर होता है वो हमारा पियर शेप्ड होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एंजाइम कन्वर्ट प्रोटीन इंटू पेप्टोन्स। कौन सा एंजाइम है जो प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है। ऑप्शन है पैप्सिन, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, गैस्ट्रिन। करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज पैप्सिन। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा होता है। ऑप्शन है बोन, इनेमल, नेल, मसल। करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज नेल। फिर है द ऑर्गन विच स्टोर्स कार्बोहाइड्रेट एज ग्लाइकोजन इन ह्यूमन्स। ह्यूमन्स में जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो ह्यूमन्स में जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में किस ऑर्गन में स्टोर होता है। ऑप्शन है इंटेस्टाइन, पैंक्रियाज, लिवर, स्टमक। करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज लिवर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ ट्रिप्शन इज। ट्रिप्शन का फंक्शन क्या होता है। ऑप्शन है टू सिंथेसाइज वाइटामिन, टू ब्रेक डाउन प्रोटीन, टू प्रोड्यूस एड्रिनलिन एंड नन। सो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका बी, दैट इज टू ब्रेक डाउन प्रोटीन। ट्रिप्सिन जो एंजाइम होता है वो यूज़ होता है प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विलाय आर फाउंड इन। विलाय कहाँ पे पाए जाते हैं, किस पार्ट में, स्टमक में, लिवर में, इंटेस्टाइन में या फिर इसोफेगस में। तो विलाय जो होते हैं वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, दैट इज सी, ऑप्शन इज करेक्ट। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु प्रपोज द सेल थ्योरी। सेल थ्योरी सबसे पहले किसने दी थी, स्लाइडन एंड श्वान, हुक एंड ब्राउन, निकोलसन या नन। तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा, दैट इज श्वान एंड स्लाइडन। फिर है हाउ मेनी अमाइनो एसिड्स आर रिक्वायर्ड टू मेक प्रोटीन। एज वी ऑल नो दैट प्रोटीन जो हमारा होता है वो अमाइनो एसिड से बनता है, दैट मीन्स अमाइनो एसिड जो होती है वो बेसिक यूनिट होती है, मैंने पहले भी बताया हुआ है। तो टोटल कितने अमाइनो एसिड्स की ज़रूरत होती है एक प्रोटीन को बनाने में। ऑप्शन है 10, 20, 15, 25। करेक्ट आंसर विल बी बी, दैट इज 20 अमाइनो एसिड। फिर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर ब्लड क्लॉटिंग। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है या उसमें हमें रिक्वायर्ड होता है। ऑप्शंस है फैट, सोडियम, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा डी, दैट इज कैल्शियम। कैल्शियम जो होता है वो हमें ब्लड क्लॉटिंग में हेल्पफुल होता है। देन फिर है O2 कैरियर इन ह्यूमन बॉडी इज। ऑक्सीजन कैरियर कौन होता है हमारी ह्यूमन बॉडी में। ऑप्शन है आयरन, हीमोग्लोबिन, मेथ हीमोग्लोबिन या फिर हीमोसाइनिन। करेक्ट आंसर होगा बी, दैट इज हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन कैरियर होता है हमारी ह्यूमन बॉडी में। फिर है यूनिवर्सल ब्लड रिसिपियंट। कौन होता है यूनिवर्सल ब्लड रिसिपियंट, यानी सबसे ब्लड ले सकता है। ऑप्शन है ग्रुप ओ, ग्रुप बी, ग्रुप ए बी या फिर ग्रुप ए। तो करेक्ट आंसर होगा सी, दैट इज ग्रुप ए बी। ए बी ग्रुप जो होता है ब्लड ग्रुप वाला जो होता है वो यूनिवर्सल ब्लड रिसिपियंट होता है, वो सबसे ब्लड ले लेता है। और अगर यहीं पे क्वेश्चन होता है कि यूनिवर्सल ब्लड डोनर कौन है, तब आपका आंसर ए हो जाता है, दैट इज़ ग्रुप ओ। फिर है लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इज़ अबाउट। आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है, तो आरबीसी का लाइफ स्पैन जो होता है वो होता है हमारा 120 डेज का, मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन विच कोड फॉर अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स आर
नोन एज। ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपके एम्स नर्सिंग में पूछा जा चुका है क्वेश्चन प्रीवियसली। तो जो भी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स होते हैं, पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स, उनको हम क्या बोलते हैं, उनके कोड्स को, एलिलोमॉर्फ्स, एलील्स, इंट्रॉन और द एग्जॉन। सो द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज एलील्स। इनको हम बोलते हैं एलील्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोलॉजी वॉज कॉइंड बाय, इकोलॉजी जो टर्म होता है वो सबसे पहले किसने दिया था, लीनियस, हैकल, हावे, ऑडम या लैमार्क। सो द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज हैकल। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्निथोलॉजी डिस्क्राइब्स अबाउट, ऑर्निथोलॉजी किसके बारे में स्टडी होती है, मतलब किसकी स्टडी होती है। तो ऑर्निथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ काउ, बर्ड्स, इंसेक्ट और द स्नेक्स। सो द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज बर्ड्स। ऑर्निथोलॉजी जो होती है वो बर्ड्स की स्टडी को बोलते हैं। फिर द प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस इन, ब्लड का प्योरिफिकेशन कौन से ऑर्गन के थ्रू होता है, ये कल भी मैंने बायोलॉजी के क्वेश्चन में बताया था। ऑप्शन ए किडनी, लंग्स, हार्ट, लिवर। करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज किडनी। किडनी जो होती है वो हमारा ब्लड को प्योरीफाई करने का काम करती है। देन ए ट्राइकोडर्मा हेल्प्स इन, जो ट्राइकोडर्मास होते हैं वो किस में हेल्प करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में, डिसीज कंट्रोल में, पॉलिनेशन में या फिर जीन ट्रांसफर में। सो द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज डिसीज कंट्रोल। जो हमारे ट्राइकोडर्मा होते हैं वो डिसीज को कंट्रोल करने में हेल्पफुल होते हैं। फिर क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, मॉडर्न केमिस्ट्री के फादर कौन है। ऑप्शन है प्रिस्टले, लवोइजर, डाल्टन, मेंडेलीव। सो द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज लवोइजर। लवोइजर इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। फिर है, न्यूट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड बाय, न्यूट्रॉन्स को किसने डिस्कवर्ड किया था। तो ये ट्रिक मैंने आपको बताई थी, ईट पर नाच, राइट। तो उस ट्रिक से अगर आप देखें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, दैट इज चैडविक। न्यूट्रॉन्स वॉज डिस्कवर्ड बाई चैडविक। फिर है, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ, ये क्वेश्चन आपका जो प्रीवियसली इंट्रेंस एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है इसलिए मैं इसको बार बार प्रैक्टिस करवा रही हूँ, ताकि इनकेस ये क्वेश्चन फिर से आए तो आप लोग गलती से भी ये क्वेश्चन गलत ना करें, बिकॉज जल्दबाजी मिस्टेक ये क्वेश्चन कभी कभी गलत हो जाता है, तो ए का बी, बी का सी ऐसे बच्चे लगा देते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ, न्यूक्लियस में क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो मैंने पहले बताया था कि एटम होता है, एटम में जो न्यूक्लियस होता है बीच में उसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर मोशन में राउंड कर रहे होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, दैट इज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड एज, नंबर ऑफ मोल्स जो कि 1 kg सॉल्यूट सॉल्वेंट में प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उस डेफिनेशन को हम क्या बोलेंगे, मोलैलिटी, नॉर्मैलिटी, मोलैरिटी और द फॉर्मैलिटी। करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज मोलैलिटी। मतलब कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1 kg सॉल्वेंट में प्रेजेंट है तो मोलैलिटी बोल देंगे। इन केस यहीं पर मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 liter सॉल्वेंट होता तो फिर आपका मोलैलिटी ना होके मोलैरिटी हो जाता, ये एल और आर का डिफरेंस है, इसको याद रखना, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज, मैंने आपको ट्रिक बताई थी फ़ोन कॉल, तो फ़ोन कॉल के ट्रिक से सबसे पहला जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है वो होता है एफ, यानी कि फ्लोरीन। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फ्लोरीन। देन है, द लॉ विच स्टेट्स दैट द अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व्ड इन लिक्विड इज प्रोपोर्शनल टू इट्स पार्शियल प्रेशर, ये लॉ किस लॉ के थ्रू ये स्टेटमेंट होता है कि जो अमाउंट ऑफ गैस जो डिसॉल्व है लिक्विड में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पार्शियल प्रेशर के। तो ये लॉ हमारा होता है हेनरी लॉ, दैट इज सी ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि जो पार्शियल प्रेशर है वो हमारे डायरेक्टली किससे, हेनरी लॉ से रिलेटेड है। देन द मेन बफर सिस्टम ऑफ ह्यूमन ब्लड इज, ह्यूमन ब्लड का जो मेन बफर होता है वो क्या होता है, तो इसमें ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, बाइकार्बोनेट। देन है, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ब्लीचिंग एजेंट इज, ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड ब्लीचिंग एजेंट होता है वो कौन होता है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, दैट इज क्लोरीन। क्लोरीन जो होता है वो मोस्ट कॉमनली यूज्ड ब्लीचिंग एजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम कंटेंट्स, हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, तो मैंने पहले बताया था कि हम हाइड्रोजन को इस तरह से प्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ 1H1, विच मीन्स इसमें एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन प्रेजेंट है, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं ऑप्शन हमारे क्या क्या दिए हैं, 1 proton only, 2 electron, 1 neutron only, all of the above। सो
इलेक्ट्रॉन क्योंकि एक होता है तो बी ऑप्शन तो हो नहीं सकता हमारा करेक्ट। अब क्योंकि एक क्वेश्चन गलत है ऑल ऑफ द अबव भी नहीं होगा, बचता है फर्स्ट और सी। तो अभी मैंने बताया इसमें वन इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है, जीरो न्यूट्रॉन होते हैं, तो सी ऑप्शन भी गलत। बचा हमारा ऑप्शन ए दैट इज़ वन प्रोटॉन ओनली, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए दैट इज़ वन प्रोटॉन ओनली। फिर है द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी बाय वन केल्विन इज कॉल्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अगर वन केल्विन टेम्परेचर बढ़ाते हैं हम, द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी बाय वन केल्विन, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट, थर्मल कैपेसिटी, वाटर इक्विवेलेंट या फिर नन? करेक्ट आंसर होगा बी दैट इज थर्मल कैपेसिटी, याद रखना है इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर है द न्यूक्लियर पार्टिकल्स विच आर अज्यूम टू होल्ड द न्यूक्लियंस टुगेदर, कौन से न्यूक्लियर पार्टिकल है जो न्यूक्लियंस को एक साथ बांध के रखते हैं? ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन, मीजॉन। सो करेक्ट आंसर इज डी दैट इज मीजॉन। फिर है द मेटल इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल, हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल में कौन सा मेटल है जो कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ किया जाता है? निकेल, लेड, कॉपर, प्लैटिनम। तो करेक्ट आंसर इसका होगा ए दैट इज निकेल, निकेल इज यूज्ड एज द कैटलिस्ट इन हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट अबेंडेंट रेयर गैस इन एटमॉस्फेयर इज, एटमॉस्फेयर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली रेयर गैस कौन सी होती है? तो वो होती है आर्गन, दैट इज सी ऑप्शन इज करेक्ट। फिर है द मोनोमर ऑफ पॉलीथीन इज, पॉलीथीन का मोनोमर क्या होता है? ऑप्शन है विनाइल क्लोराइड, एथिलीन, एथाइल एल्कोहल या नन। करेक्ट आंसर विल बी बी दैट इज एथिलीन, एथिलीन जो होता है वो हमारा पॉलीथीन का मोनोमर होता है। द मोस्ट मैलिएबल मेटल, सबसे ज़्यादा मैलिएबल मेटल कौन सा होता है? तो वो होता है हमारा गोल्ड, दैट इज सी ऑप्शन इज करेक्ट। फिर है द ऑयल यूज्ड इन फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस में किस ऑयल का यूज़ किया जाता है? ऑप्शन गिवेन है कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, कैरोसिन ऑयल एंड द पाइन ऑयल। करेक्ट आंसर इज डी दैट इज पाइन ऑयल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस इज, न्यूक्लियस का जो मास नंबर होता है उसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? ऑप्शन है ऑलवेज लेस देन इट्स एटॉमिक नंबर, द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, ऑलवेज मोर देन द एटॉमिक वेट एंड डी ऑप्शन है अ फ्रैक्शन। तो करेक्ट आंसर इसमें होगा बी, जो मास नंबर होता है वो सम होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन का एंड न्यूट्रॉन का जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमन नेम फॉर सोडियम बाइकार्बोनेट इज, सोडियम बाइकार्बोनेट के लिए कॉमन नेम जो होता है वो क्या होता है? ऑप्शन है बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, इप्सम सॉल्ट। करेक्ट आंसर इसमें आपका हो जाएगा बी दैट इज़ बेकिंग सोडा। अब यहाँ पे एक ट्रिकी चीज़ ये है कि यहाँ पे आपसे सोडियम बाइकार्बोनेट ना पूछ के सोडियम कार्बोनेट भी पूछ सकता है, तो आपका आंसर जो है वो चेंज हो जाएगा। कैसे? अगर सोडियम कार्बोनेट यहाँ पे बोला जाए तब बेकिंग सोडा ना होके वॉशिंग सोडा आपका करेक्ट आंसर होगा, लेकिन यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट बोला है तो आंसर आपका बेकिंग सोडा हो जाएगा। तो इसको लर्न करने का एक ट्रिक है बी, अगर बी फॉर बाई कार्बोनेट गिवन है अगर, तो बी से बेकिंग सोडा आपका आंसर होगा। इनकेस बाई नहीं दिया है, सिर्फ सोडियम कार्बोनेट दिया है, तो आंसर हो जाएगा वॉशिंग सोडा। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। फिर है विच गैस इज़ मोस्ट कॉमनली यूज इन फायर एक्सटिंग यूजर, फायर एक्सटिंग यूजर्स जो होते हैं उनमें सबसे कॉमनली यूज़ होने वाली गैस कौन सी है? तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज़ CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। फिर है विच एसिड इज़ प्रेजेंट इन विनेगर, तो ये सबको पता ही है कि विनेगर में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? तो वो होता है हमारा एसिटिक एसिड, दैट इज़ बी ऑप्शन इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉट इज़ द कॉमन नेम फॉर द कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का कॉमन नेम क्या होगा? टेबल सॉल्ट, चॉक, लाइम वाटर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका बी दैट इज़ चॉक, कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 जो होता है वो हमारा चॉक का फॉर्मूला होता है। फिर द हैबर प्रोसेस इज़ यूज टू सिंथेसाइज विच कंपाउंड, हैबर प्रोसेस के थ्रू हम कौन से कंपाउंड को या किस गैस को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं? तो ये होता है हमारा करेक्ट आंसर अमोनिया, अमोनिया को बनाने के लिए हम हैबर प्रोसेस का यूज़ करते हैं। फिर है व्हाट इज़ द मेन बाई प्रोडक्ट ऑफ कंप्लीट कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन के कंप्लीट कंबशन से हमें कौन कौन से बाई प्रोडक्ट मिलते हैं? तो हाइड्रोकार्बन को जलाने में हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों ही मिलते हैं, दैट मीन्स डी ऑप्शन इज करेक्ट, बोथ बी एंड सी। फिर है व्हाट इज़ द बॉन्ड एंगल इन वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल दैट इज़ H2O, इन दोनों में जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है? तो ये एग्जैक्टली होता है 104
0.5 डिग्री, तो बी ऑप्शन जो है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा, दैट इज़ 104.5 डिग्री। नेक्स्ट फिर हमारा फिजिक्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पे न्यूक्लियर फिशन वॉज डिस्कवर्ड बाई, न्यूक्लियर फिशन जो है वो किसने डिस्कवर किया था? ऑप्शन है फर्मी, आइंस्टीन, हैन एंड स्ट्रेसम, सोमरफील्ड। करेक्ट आंसर इसमें सी होगा, दैट इज हैन एंड स्ट्रेसम। फिर है हमारा व्हाट डिटरमाइंस द पिच ऑफ अ साउंड, साउंड की पिच को कौन डिटरमाइन करता है? ऑप्शन है एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ या फिर स्पीड। तो करेक्ट आंसर इसमें हमारा होगा बी, दैट इज फ्रीक्वेंसी। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। फिर आ जाता है द प्रोसेस बाय विच गैस टर्न्स इनटू अ लिक्विड, ये क्वेश्चन आपको ध्यान देना होगा ठीक से। इसमें पूछ रहा है कि इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं जिसमें गैस लिक्विड में कन्वर्ट होती है। अब अगर आपने ध्यान से क्वेश्चन पढ़ा और समझा तो आपका वैसे आंसर इसका होगा सी, दैट इज़ कंडेंसेशन। बट क्योंकि मैंने पहले भी क्वेश्चन आपको बताए हुए हैं जहाँ पर मैंने एक चीज़ आपको और बताई थी कि अगर सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है गैस में तब यहाँ पे आंसर होता है सब्लिमेशन, क्योंकि ऑप्शन में सब्लिमेशन भी दिया है तो काफ़ी बच्चे हो सकता है जल्दबाजी में सब्लिमेशन ही टिक करते हैं, तो यहाँ पे सब्लिमेशन इसका आंसर नहीं होगा। मैंने आपको एक चीज़ क्लियरली बताई कि अगर सॉलिड गैस में डायरेक्टली कन्वर्ट होता है तब उसे सब्लिमेशन बोलते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ और ही पूछा है। इसने बोला है कि गैस को अगर लिक्विड में चेंज कर रहे हैं तो क्या होगा, तो अब हम उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। तो टर्म क्या बोल रहा है उसको ध्यान से पढ़ना है, जल्दबाजी में इजी क्वेश्चन को भी या आते हुए क्वेश्चंस को भी गलत नहीं करना है, ठीक है। माइनस मार्किंग क्योंकि है नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है, सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है पहली बात तो। लेकिन बस हाँ ये है, टाइम रहेगा, टाइम लिमिटेशन रहेगी, 200 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, तो हो सके तो अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना, जल्दबाजी में कोई भी क्वेश्चन गलत मत करना, एटलीस्ट उस क्वेश्चन को प्रॉपर टाइम देना और अच्छे से उस क्वेश्चन को समझना, ऑप्शन ठीक से देखना, कोई भी ऑप्शन आप गलत टिक ना करो, ठीक है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कॉजेज ऑब्जेक्ट्स टू फ्लोट इन वाटर, कोई ऑब्जेक्ट पानी में तैर रहा है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बायोएनसी, ग्रेविटी, सरफेस टेंशन या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज बायोएनसी, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बायोएनसी। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज द टेम्परेचर एट विच ऑल मॉलिक्यूलर मोशन सीजेस, किस टेम्परेचर में जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके मोशन जो है वो सीज हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, जम जाता है। ऑप्शन है एब्सोल्यूट जीरो, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट। तो काफ़ी बच्चे अब यहाँ पे ऑप्शन लगा देंगे फ्रीजिंग पॉइंट, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट मतलब फ्रीज हो जाना, सीज हो जाना, जबकि आंसर गलत है। इसका करेक्ट आंसर होगा ए, दैट इज़ एब्सोल्यूट जीरो। क्यों? क्योंकि हमें पता है कोई भी चीज़ जमना कब स्टार्ट होती है, ज़ीरो डिग्री सेल्सियस पे, राइट? तो ज़ीरो से मतलब स्टार्ट होता है वो, और हमारा क्योंकि फ्रीजिंग जो पॉइंट है वो ज़ीरो डिग्री सेल्सियस होता है, राइट? लेकिन जो हमने बोला है मॉलिक्यूलर सीज होना, तो मॉलिक्यूलर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जमना स्टार्ट होते हैं ज़ीरो से, दैट इज़ नॉट ज़ीरो डिग्री सेल्सियस एग्जैक्टली, इट इज़ फ्रॉम ज़ीरो केल्विन, और ज़ीरो केल्विन को अगर हम सेल्सियस में कन्वर्ट करें तो ये वैल्यू होती है -273 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ये ज़ीरो डिग्री सेल्सियस नहीं है, तो हम इसे फ्रीजिंग पॉइंट नहीं बोल सकते, फ्रीजिंग पॉइंट तो हम ज़ीरो डिग्री सेल्सियस को बोलते हैं ना, और जो सीज होना मोशन स्टार्ट हुआ है मॉलिक्यूल्स का वो हुआ है ज़ीरो केल्विन से, तो हम ज़ीरो केल्विन को क्या नाम से जानते हैं, एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर से। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे डी ना होके ए होगा, दैट इज़ एब्सोल्यूट ज़ीरो। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इफ फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? तो हम जानते हैं कि एनर्जी कंजर्वेशन जो लॉ होता है उसके अकॉर्डिंग जो एनर्जी होती है वो ना तो क्रिएट की जा सकती है ना डिस्ट्रॉय की जा सकती है, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र की जा सकती है। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका सी, दैट इज़ एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, मीन्स नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, राइट? तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर है एसेलरेशन इज़, एसेलरेशन का फॉर्मूला आपसे पूछ रहा है एक तरीके से, तो एसेलरेशन के फॉर्मूले यहाँ पे आप देख सकते हो दो ऑप्शन आपके सही हैं, दैट इज़ ए ऑप्शन एंड सी ऑप्शन, क्योंकि f इज़ इक्वल्स टू एम ए होता है तो उस हिसाब से a इज़ इक्वल्स टू f बाई एम, ये भी सही है, और एसेलरेशन वेलोसिटी बाई टाइम, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे अब बोथ ऑप्शन तो है नहीं आपके पास कि बोथ a एंड c,
तो हमें यहाँ पे प्रायोरिटी ए ऑप्शन को देनी होगी, बिकॉज ये जो होता है वो बेसिक फार्मूला होता है जो सब पे अप्लाई होता है। बाकी जो मास से रिलेटेड फार्मूलेज होते हैं या मास से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है हमें, तब हमारा ये फार्मूला यूज़ होता है। तो प्रायोरिटी की अगर हम बात करें, आप बस ये समझ लो, तो यहाँ पे फिर आपको ए ऑप्शन को प्रायोरिटी देनी, दैट इज़ ए इज़ इक्वल्स टू वी बाई टी। देन ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ऐसा यूनिट ऑफ फ्रिक्वेंसी। तो फ्रिक्वेंसी क्या ऐसा यूनिट सबको पता है, डी ऑप्शन इज़ करेक्ट, दैट इज़ हर्ट्ज़। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अ 5 न्यूटन फोर्स इज डिफाइंड व्हेन मास ऑफ 10 kg इज एक्सेलरेटेड विद। तो ये एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, यहाँ पे आपको फोर्स यानी कि 5 न्यूटन गिवन है, तो फोर्स की वैल्यू हो गई 5 न्यूटन। देन आपको मास गिवन है 10 kg, आपसे एक्सेलरेशन पूछा है, तो हमें पता है एफ इज इक्वल्स टू क्या होता है, एम ए, तो ए हमारा हो जाएगा एफ बाई एम, दैट इज 5/10। तो उस हिसाब से हमारा जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.5 m/s², दैट मीन्स सी ऑप्शन इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द करेंट रिक्वायर्ड टू लाइट अ 60-watt बल्ब इन अ डोमेस्टिक सप्लाई ऑफ 240 volt। आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको 60 watt यानी कि पावर की वैल्यू दी है और वोल्टेज की वैल्यू दी है 240 volt, और पूछा गया आपसे करेंट यानी कि I। तो इन तीनों को देखते हुए कोई फॉर्मूला माइंड में आ रहा है, तो फॉर्मूला है P इज इक्वल्स टू वी डॉट आई। तो हमें I यानी कि करंट निकालना है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा P बाई V। तो पार हमारा गिवन है 60 watt और जो वोल्टेज है वो हमारा गिवन है 240 volt। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो होगा B, दैट इज़ 0.25 ampere। देन है द फ्रिक्वेंसी ऑफ एन अल्टरनेटिंग करेंट इज 3 hertz। इट इम्प्लाइज दैट अल्टरनेटिंग करेंट है उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो आपकी है 3 hertz। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे देयर आर 6 cycles per second, देयर आर 3 cycles per second, देयर आर 2 cycles per second और देयर आर 1 cycle per second। तो क्योंकि 3 hertz इसकी फ्रिक्वेंसी है तो करेक्ट आंसर होगा बी, दैट इज़ देयर आर 3 cycles per second। फिर है द डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक करेंट इन अ सर्किट इज़ कॉल्ड। सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करने वाली डिवाइस को हम क्या बोलेंगे, तो उसको हम बोलते हैं एमीटर। और यहीं अगर पे बोलता इलेक्ट्रिक करंट की जगह वोल्टेज बोल देता तो फिर आपका आंसर सी हो जाता, दैट इज़ वोल्ट मीटर। सो इस चीज़ का टर्म का ध्यान रखना, क्या पूछ रहा है, क्या ऑप्शन आपको टिक करना है। देन फिर क्वेश्चन है न्यूक्लियर साइज इज़ मेजर्ड इन। ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार प्रैक्टिस करवाया है, तो इसका आंसर तो आपको पता ही होना चाहिए कि न्यूक्लियर साइज़ जो होता है वो फर्मी में मेज़र किया जाता है। देन फिर है इन हाउ मच टाइम सनलाइट रीचेस द अर्थ। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि कितने टाइम में अर्थ पे जो सनलाइट है वो पहुंच जाएगी। इसका करेक्ट आंसर होगा ए, दैट इज़ 8 मिनट। फिर है द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का क्या हो सकता है, ऑप्शन कुछ आप लोगों को गिवन है 1.03, 1.003, 1.0003 या फिर नन। तो करेक्ट आंसर इसमें आपका हो जाएगा सी, दैट इज़ 1.0003। फिर आपसे पूछ रहा है डैश इज़ यूज टू मेज़र ह्यूमिडिटी। इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है या कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो ह्यूमिडिटी को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। ऑप्शन है एनीमोमीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर या नन। करेक्ट आंसर होगा सी, दैट इज़ हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर जो होता है वो हमारा ह्यूमिडिटी को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। सो अभी तक मैंने आप लोगों को नर्सिंग एप्टीट्यूड, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए। अब हमारा लास्ट बचता है इंग्लिश, और क्योंकि जीके तो इस साल आनी नहीं है आपके एग्ज़ाम में, तो इंग्लिश के क्वेश्चन और हम देख लेते हैं कुछ। तो इंग्लिश में आपको पता होना चाहिए कि बेसिक चीज़ें ही आती हैं, दैट इज़ एंटोनियम्स, सिनोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम्स एंड फ्रेजेस, या फिर फिल द करेक्ट प्रपोजिशन टाइप्स, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, कुछ ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएगा। या फिर हो सकता है आपको कोई एक पैसेज दे दिया जाए उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आए, तो वो ज़्यादा टफ नहीं, वो लोग आप कर लोगे। तो यहाँ पे कुछ एंटोनियम्स आपको बताने, कुछ मतलब क्वेश्चन है जिनका एंटोनियम आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है हार्मनी। हार्मनी का एंटोनियम आपसे पूछ रहा है, तो एंटोनियम पता करने से पहले हम उसके मीनिंग पता होनी चाहिए। तो हार्मनी का मतलब क्या होता है, शांति या एकता। तो शांति का अपोजिट क्या होगा, कलह। तो इसमें कुछ ऑप्शन है डिसएग्रीमेंट, मेलोडी, कन्फ्यूजन, डिस्कॉर्ड। तो हार्मनी का आपका एंटोनियम हो जाएगा डी, दैट इज़ डिस्कॉर्ड, क्योंकि हार्मनी का मतलब होता है शांति और डिस्कॉर्ड का मतलब होता है कलह, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट एंटोनियम होगा वो होगा आपका डिस्कॉर्ड। एंटोनियम मीन्स अपोजिट वर्ड। फिर नेक्स्ट है आपका मिनिएचर। मिनिएचर मीन्स स्मॉल, छोटा।
तो छोटे का जो अपोजिट होता है वो होता है क्या, बड़ा, दैट इज़ बी ऑप्शन इज़ करेक्ट, लार्ज ऑप्शन इसका हो जाएगा। फिर है सबलाइम, सबलाइम का मतलब क्या होता है, तो ग्रेट या श्रेष्ठ बोल सकते हैं, तो उसका जो अपोजिट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, दैट इज़ इग्नोबल, यानी सबलाइम मतलब होता है श्रेष्ठ यानी कि ग्रेट, तो उसका अपोजिट होगा इग्नोबल यानी कि नीच, राइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कमोशन, कमोशन का मतलब होता है हलचल करना या मतलब शोर मचाना, तो इसका अपोजिट हो जाएगा शांति, कामनेस या पीसफुल एनवायरनमेंट, तो उसका करेक्ट आंसर आपका होगा बी, दैट इज़ ट्रांसक्वालिटी, ट्रांसक्वालिटी मीन्स कामनेस या फिर पीसफुल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसोलेंट, इंसोलेंट का अपोजिट क्या होगा, इंसोलेंट का मीन्स होता है एरोगेंट, तो एरोगेंट का अपोजिट होता है हम्बल, दैट इज़ बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है एन एप्पल अ डे कीप्स डैश डॉक्टर अवे, तो यहाँ पे आपको करेक्ट जो भी प्रपोजिशन है वो फिल करना है, यहाँ पे ऑप्शन है ऑफ एन ए द, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आ, विच मीन्स एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, ठीक। देन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है एज वाइट एज, एज वाइट एज डैश इसमें यहाँ पे फिल करना है, एज वाइट एज स्नो, एज वाइट एज मिल्क, एज वाइट एज पाउडर और एज वाइट एज कर्ट, तो हमारा जो एक मुहावरा होता है, जो इडियम होता है, उसके थ्रू अगर हम देखें तो एज वाइट एज स्नो इज़ द करेक्ट ऑप्शन। फिर है बीट अराउंड द बुश, बीट अराउंड द बुश इडियम है, इसका मीनिंग आपको पूछा जाएगा, कुछ ऑप्शन दिए होंगे उसमें से आपको करेक्ट मीनिंग आपका जो भी है या करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपको चूज़ करना है, टिक करना है, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट सीधा आंसर ही लिखा है, तो आपको पता होना चाहिए ये ऑप्शन में गिवन होगा तो आपको यही आंसर टिक करना है। तो बीट अराउंड द बुश का मतलब होता है डिस्कस द मैटर विदाउट कमिंग टू द पॉइंट, बिना पॉइंट में आए हुए मैटर को डिस्कस करना, इधर उधर की बातें करना। ये जो क्वेश्चन है ये भी आपका 2022 इंट्रेंस एग्जाम में पूछा था इंग्लिश पोर्शन में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, जिसका हिंदी मतलब होता है तिल का पहाड़ बनाना, मतलब ओवर रिएक्ट करना, विच मीन्स ओवर रिएक्टिंग। नेक्स्ट है टू कीप वंस टेम्पर, टू कीप वंस टेम्पर का मतलब होता है टू बी इन अ गुड मूड, ये भी एक idiom है जिसका मतलब होता है टू बी इन अ गुड मूड। फिर है अपोजिट ऑफ ट्रू, अब आप बोलोगे इतना ईजी क्वेश्चन, अब मैं क्या करूँ, ये ईजी क्वेश्चन आपके 2022 के इंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है, तो मैं तो रिपीटेड क्वेश्चन है जो वो भी प्रैक्टिस करवा रही हूँ, तो यहाँ पे तो मैं वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगी। तो ट्रू का अपोजिट सबको पता है फॉल्स होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। फिर क्वेश्चन है हमारा द सन डैश इन द ईस्ट, यहाँ पे आपको करेक्ट जो भी ऑप्शन है वो फिल करना है, करेक्ट आपको टेंस फिल करना है, तो द सन राइजेज, रोज, राइजिंग, राइजिंग, क्या इसमें करेक्ट आंसर होगा, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ए, दैट इज़ द सन राइजेज इन द ईस्ट। फिर आता है हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मतलब आपको एक वन वर्ड बताना है, तो आपको कुछ ऑप्शन है यहाँ पे। फिर पहला क्वेश्चन है फियर ऑफ हाइट, हाइट से जिसको डर लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, एग्रोफोबिया, एक्रोफोबिया, हेरोफोबिया या हीलोफोबिया, करेक्ट आंसर इसमें होगा बी, दैट इज़ एक्रोफोबिया, फियर ऑफ हाइट को हम बोलते हैं एक्रोफोबिया। फिर है स्टोरी ऑफ ओल्ड टाइम गॉड्स एंड हीरोज़, पुराने टाइम के गॉड्स और हीरोज़ की जो स्टोरी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, दैट इज़ लेजेंड, उसको हम बोलते हैं लेजेंड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हैविंग इन्फिनाइट पावर, जिसके पास इन्फिनाइट पावर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ओमनीपोटेंट, दैट इज़ सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। फिर कुछ फिलिंदा ब्लैंक्स हैं, फिल करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे, प्रपोजिशन आपको बताना है करेक्ट, तो यहाँ पे पहला है शी इज़ यूज डैश कन्फाइडिंग हर सीक्रेट्स, तो यहाँ पे करेक्ट प्रपोजिशन हमारा फिल होगा टू, दैट इज़ शी इज़ यूज टू कन्फाइडिंग हर सीक्रेट्स। फिर है देयर इज़ नो एक्सेप्शन डैश दिस रूल, तो यहाँ पे भी टू आएगा, दैट इज़ देयर इज़ नो एक्सेप्शन टू दिस रूल। फिर है द डॉग फेल डैश द पूल, तो द डॉग फेल इन टू द पूल, राइट। तो इस तरीके से आपको एक आइडिया दे रही हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस आपके आएंगे, तो आपको ये कॉमन बेस, सेंस बेस्ड भी हैं, आपको इतनी इंग्लिश तो आती होगी कि आप इतना कर सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लूरल फॉर्म, प्लूरल फॉर्म्स भी आपसे पूछे जा सकते हैं क्योंकि इसके पहले भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो जैसे कि एग्ज़ाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे बताया कि चाइल्ड का जो प्लूरल है वो क्या होगा, तो चाइल्ड का प्लूरल हो जाएगा हमारा चिल्ड्रन, नॉट अ बिग डील। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लूरल ऑफ हेयर, ये क्वेश्चन तो आया हुआ है 2022 में, तो हेयर का प्लूरल फॉर्म होता है हेयर्स,
काफ़ी लोग आप कमेंट करके ये बोलेंगे कि हेयर का हेयर ही होता है, कुछ बोलते हैं हेयर का हेयर्स होगा, तो मैं आप लोगों का डाउट क्लियर कर देती हूँ कि हेयर का प्लूरल हेयर भी सही है और हेयर्स भी सही है, दोनों ही सही है। अगर आपको फिर भी डाउट है तो आप खुद गूगल करके देख सकते हो, ठीक है। तो वो अब डिपेंड करता है कि आपके ऑप्शन में क्या गिवन है। हेयर्स अगर दिया है तो आप हेयर्स वाले करेक्ट ऑप्शन में टिक करोगे, हेयर दिया है तो हेयर में करोगे, इफ़ बोथ दिया है तो बोथ ऑप्शन टिक करोगे, क्योंकि दोनों ही इसके सही सेंटेंस है। डिपेंड करता है वो हम कहाँ किस टाइप में बोल रहे हैं, ठीक है। तो हेयर का प्लूरल हेयर्स भी होता है और हेयर भी होता है, ठीक है। तो ये अराउंड मैंने 100 क्वेश्चन आप लोगों से शेयर किए हैं, जो आप लोगों की डिमांड थी वो मैंने फुलफ़िल की है। आई होप आप लोगों को अब वीडियो पसंद आया होगा। एंड लास्ट में मैं एक बात और बोलना चाहूँगी, क्योंकि कल आप लोगों का एग्ज़ाम है, तो जो भी अब आप लोगों का टाइम थोड़ा ही बाकी है, तो मैं नहीं बोलूँगी कि आप लोग ज़्यादा प्रेशर लो, कुछ भी अब ज़्यादा पढ़ना नहीं है। ये वीडियो देख लिया है तो अच्छी बात है, और अगर आपको फिर भी लगता है थोड़ा बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, तो आप वीडियोस जो भी मैंने पहले के बताए उनको एक बार प्रैक्टिस तो कर ही चुके होंगे, एक बार रिवाइज़ कर लेना, जैसे इनकेस कोई क्वेश्चन आप लोगों को लगता है कि हाँ ये आ सकता है कुछ भी, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ ये कि जब कल आप लोग एग्ज़ाम दे के आइएगा तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, या फिर टेलीग्राम चैनल जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया है वो ज्वाइन कर लीजिए, मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगी, वहाँ पर फिर हम बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे कल एग्ज़ाम के बाद। तो मुझे ज़रूर बताना आके कि आप लोगों को जो पेपर था वो कैसा था, या एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आए, जैसे क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस कराए हैं क्या वैसे ही क्वेश्चन आए हैं, कुछ टफ़ क्वेश्चन आए हैं, या एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन आया वो भी आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट एवरीवन, अच्छे से एग्ज़ाम देना और ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी बेस्ट विशेज़ आप सब लोगों के साथ हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।